गैस की फराहमी बंद, बिजली बहरान सर उठाने लगा। नेशनल ग्रिड से 1600 मेगावाट बिजली निकल गई। लेस्को का कोटा भी कम, शहर में लोड शेडिंग शुरू। फर्टिलाइजर, सीएनजी और सनते गैस ना मिलने से मुतासिर। आरएलएनजी की सप्लाई चेन टूटने से नए सवालात पैदा हो गए। एप्टमा और लाहौर चैम्बर का इजहार तशवीश। पीएसएलओ का कार्गो जहाज लंगर अंदाज ना होने से गैस बहरान। नैब पर पहले ही बड़े इल्जामात लग रहे हैं, अब नैब बेंच भी अपनी मर्जी से बनवाएगा। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर नैब का एतराज मुस्तरद। नैब ने मौजूदा बेंच तब्दील करने की इस्तदा की थी। केस की सभा जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार शमीम खान ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने शहबाज की दरखास्त जमानत के खिलाफ दस्तावेजात जमा करा दी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में दो रुकनी बेंच की समाअत। इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत। रमजान शुगर मिल्स केस में दलाइल के लिए वकला कल तलब। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी से कोई खुश नहीं। अदालत के बाहर ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगू। सानिहे मॉडल टाउन, नई जेआईटी की तहकीकात तेज। केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। शहबाज शरीफ को भी आइंदा हफ्ते जेआईटी के सामने पेश किए जाने का इम्कान। एफआईआर में शामिल पुलिस एहलकारों के बयान कलमबंद। सानिहे मॉडल टाउन की तस्वीर और वीडियोस बनाने वाले 9 अफराद का बयान भी रिकॉर्ड। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को लंदन में मजीद 14 रोज कयाम की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। बेटी को दिल का मसला, तनहा छोड़कर नहीं आ सकता। हमजा शहबाज ने अदालत से मजीद रुकने की इजाजत मांगी थी। हमजा शहबाज को पंजाब में चेयरमैन पीएसी बनाने का हतमी फैसला। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, विफाक में हुकूमत और अपोजिशन तनाव का पंजाब में फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपोजिशन से तयशुदा मामलात पर अमल दरामद करवाएगी। वजीर आला और स्पीकर की वापसी पर असेंबली इजलास बुलाया जाएगा। पीएसी के चेयरमैन का चुनाव इलेक्शन के जरिए होगा। इतिहादियों में एक और अहदो पेमा। काफ लीग और पीटीआई का बल्दियाती इलेक्शन भी मिलकर लड़ने पर इतफाक। नईमुल हक और चौधरी शुजात की मुलाकात में फैसला हुआ। नैब में गिरफ्तार साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने अपनी लीगल टीम को हाईकोर्ट में केस दायर करने की हिदायत कर दी। अलीम खान ने नैब के साथ मुकम्मल तआवुन किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लीगल टीम। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली ना आई। पंजाब असेंबली का ऐवान ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस। मंजूर होने वाली 18 करारदादे सर्दखाने की नजर, अमल दरामद ना हो सका। अरकान असेंबली में तशवीश की लहर। मामला स्पीकर के सामने उठाने का फैसला। शहर को साफ सुथरा बनाने और सकाफती विरसे को बचाने का मंसूबा। मछली मंडी और रिम मार्केट को सगियां के मकाम पर जगह देने का फैसला। मौजा गंज कलां और मौजा बेगमकोट में अराजी दी जाएगी। डेप्टी कमिश्नर सौलिया सईद कहती हैं, रिम मार्केट 50 कनाल, मछली मंडी को 20 कनाल सरकारी अराजी मिलेगी। मुंतकली में 1 से 1.5 साल लग सकता है। अंजुमन आरतियां मछली मंडी फैसले पर खुश। मुंतकली के ऐलान पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाने का मुतालबा। मेगा मंसूबों में बड़ी करप्शन, अरबों की लूट मार। कौन कौन था मुलव्वस, किस किसने पहुंचाया खजाने को नुकसान। बड़ों बड़ों के नामों से पर्दा उठेगा। पंजाब हुकूमत ने 10 मेगा मंसूबों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन को मुतल्लिका महकमों ने रिकॉर्ड फराहम कर दिया। गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम, बीजी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर का खाता खुल गया। एंटी करप्शन ने चार्जशीट कर दिया। मैट्रिक पास को ग्रेड 18 में कैसे भर्ती कर दिया, बगैर तजर्बे के कैसे लॉ ऑफिसर तायुनात किया गया, 3 रोज में जवाब तलब। गैर
गैर कानूनी तामीरात, एंटी करप्शन और एलडीए सफाया के लिए इकट्ठे हो गए। गैर कानूनी इमलाक मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का सिलसिला भी शुरू। एलडीए ने ईस्टर्न मार्की के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ऑपरेशन में पुलिस की मदद लेने का भी फैसला। मुजाहमत पर मुकदमा दर्ज होंगे, एलडीए हुकाम। फीसों में इजाफा, जुर्माने, एमएओ कॉलेज के तलबा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कॉलेज के बाहर मुजाहरा, शदीद नारेबाजी की। डबल फीसें वसूल की गईं, जुर्माने भी भरे, फिर भी परेशान किया जा रहा है मुजाहिरीन। एहतजाज के बाद सड़कें ब्लॉक, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। इंतजामिया से मुजाकरात के बाद तलबा ने एहतजाज खत्म किया। जामियात से असातिज़ा की बरतरफी का मामला, यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का सड़कों पर आने का ऐलान। सदर डॉक्टर महबूब कहते हैं 19 फरवरी तक असातिज़ा को बहाल ना किया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर जामियात में वाइस चांसलर की तकरियां करे, असातिज़ा के लिए कौमी पॉलिसी बनाई जाए। पता नहीं चलेगा तो नकायस दूर कैसे होंगे। कॉलेजेस की इस्लाहात के लिए सर्वे ठप, चार माह बाद भी सर्वे मुकम्मल ना हो सका। कॉलेज सरबराहान ने पहले सर्वे में गलत डेटा दिया, अब मामला ही दबा दिया। हुकूमत बदली, शहर की हालत ना बदली, टूटी सड़कें, अधूरे तरक्याती काम, आवाम के लिए अजियत का सामान। मॉल रोड के करीब मैकलेगन रोड टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक जैम मामूल, पैदल चलना मुहाल, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। नेपर रोड पर भी खड्डे ही खड्डे, आठ माह बाद भी सड़क का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। पंजाब कार्डियोलॉजी के सामने भी सड़क पर गढ़ा पड़ गया, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों का गुजरने में मुश्किल का सामना। इस्लाम पाक का इलाका भी जौहर का मंजर पेश करने लगा, गंदा पानी गलियों में दाखिल, रिहायशी बीमार होने लगे। आवाम महंगाई के घेरे में आ गए, मुर्गी के गोश्त की कीमत को फिर पर लग गए। इकट्ठा 6 रुपए इजाफा, रेट 191 रुपए से बढ़कर 197 रुपए फी किलो हो गया। सब्जियों को भी हाथ ना लगे, टमाटर 100, लहसुन 131, अदरक 166 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। आवाम की चीखें निकल गईं। आवामी शिकायत पर मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी आबिद मीर का इकबाल टाउन सब्जी और फ्रूट मंडी पर छापा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी राहिला रजा की सरजनेश, मुताद स्टॉल मालिकान को नोटिस जारी। पेंशन बन गई टेंशन, बुजुर्ग पेंशनर्स का मेयर लाहौर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। ऑडिट अफसरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। गार्डन टाउन में 7 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती का वाकया, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की जिना अस्पताल आमद, मुतासरा बच्ची की अयादत की। अस्पताल इंतजामिया को मजीद बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहमी की हिदायत, मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए भी हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। गरीब को इलाज के लिए कार्ड मिलेगा, पंजाब में राजनपुर से सेहत कार्ड के इजरा का आगाज। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है रवा साल 72 लाख सेहत कार्ड तकसीम किए जाएंगे। सेहत कार्ड से 3.5 करोड़ आबादी को फायदा होगा। कार्ड पर 7,20,000 इलाज की सहूलत होगी। माँ बाप की लड़ाई में बच्चे खार, अदालत का एक बच्चा बाप, दो बच्चे माँ के हवाले करने का हुक्म। फ्री कैन एहाता अदालत में ही उलझ पड़े, बच्चों का माँ के साथ जाने से इनकार, एहाता अदालत में चीखो पुकार, बाप को भी गशी के दौरे। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का खतरा लाहक, पानी का मसला भी दरपेश है, आने वाली नस्लों को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वजीर मुमलिकत माहौलियात जरताज गुल का फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब, कॉलेज में पौधा भी लगाया।
ہائی کورٹ میں آسما جہانگیر کی برسی کی تقریب، ججز اور سینئر وکلاء کی جانب سے مرحومہ کو بھرپور خراج عقیدت۔ جسٹس علی باقر نجفی کہتے ہیں آسما جہانگیر کو کبھی نہیں بھول سکتے، آزاد عدلیہ کے لیے ان کے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مرحومہ کی بیٹی منز جہانگیر کا بھی اظہار خیال، بولی لوگ پوچھتے ہیں آسما جہانگیر کا خلا کون پر کرے گا، میری والدہ نے ہمیشہ اصولوں کی جد و جہد کی اور ڈٹی رہی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کا عنوان پنجاب یونیورسٹی میں تقریری مقابلے، مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ کی شرکت۔ سابق گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول بولے معاشرے میں انسانی ہمدردی کے مرپود منصوبوں کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ نے نوجوانوں کو ملک و قوم کا اثاثہ قرار دے دیا، نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم۔ یونیورسٹی آف ایلیمنٹری اینڈ سائنسز میں 10th بک فیئر، آدھی قیمت پر کتابیں فروخت کی گئیں، طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کرکٹ دیوانے ہو جائیں تیار، پی ایس ایل کا میلہ سجنے کو، 9, 10 اور 12 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں چوکے چھکوں کی بہار۔ ٹکٹس کی قیمتوں کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، میچز کے ٹکٹس 500 سے 12,000 روپے تک دستیاب ہوں گی۔ اور شیروں کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، سفاری زو انتظامیہ کا شیر اور ٹائیگر کے بچوں کی نیلامی کا فیصلہ، 6 ماہ کے بچوں کو نیلام کیا جائے گا، نیلامی کا تاریخ کا فیصلہ زو مینجمنٹ کے منظوری کے بعد ہوگا۔